नहीं, पोल खोल तो अभी हमारे गणेश खनकर जिला के अध्यक्ष है, वो शिवसेना राष्ट्रवादी और कांग्रेस का करेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा लोकल पोल खोल किया मेरे स्वभाव के मुताबिक। ये जो रास्ता देखते हो आप, इतना बड़ा हुआ है, ये बरसों से इस प्रकार से नैरो रोड था। यहाँ पर मैं सांसद बनने के बाद में हम सब लोगों ने मिलकर इस रास्ते को बड़ा किया। ये जो मन मंदिर का जो दुकान का लाइन दिखता है, यहाँ पर पीछे एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के लोगों ने शाह का नाम क्या है, भावेश शाह नाम के एक बिल्डर को ये जगह दी। अब ये भावेश शाह ने म्यूनसिपालिटी और पुलिस के लोगों को मैनेज करके 16 व्यापारियों के ऊपर केस कर दिया। 16 में से 2 व्यापारियों को 15 दिन जेल में डाला, और बाद में मैं फिर इंटरवीन होने के बाद में मैंने कमिश्नर को मिला और सारी बातें उनको ध्यान में ला कर दी, और बाकी के 14 लोगों को अरेस्ट किए बगैर उनको जामीन दे दिया, लेकिन केस अभी भी उनके ऊपर है। अभी आगे का जो स्पैन है ये वाइडनिंग के लिए बाकी है। अब हमारे सुनील कोहली जी बोल रहे हैं 1-2 महीने में वो भी हो जाएगा, तो हम ये आगे का रोड का भी वाइडनिंग करेंगे। देखिए, जो घोटाला करते हैं, गड़बड़ करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके लिए तो देवेंद्र फडणवीस जी है, वो उसका ख्याल करेंगे। मैं मानता हूँ कि मेरा जो मतदार संघ है उत्तर मुंबई में, वहाँ पर जो लोगों को हैरानी परेशानी है उसके ऊपर मैं ध्यान देकर, और यहाँ पर जो गड़बड़ करते हैं, घोटाला करते हैं, उनका मैं पोल खोल करता हूँ। क्योंकि लोकल लोगों को तो इनसे परेशानी है ना। वो यशवंत यादव ने 53 प्रॉपर्टी बनाया और करोड़ों रुपये का घोटाला किया, उसका हिसाब किताब हम करेंगे म्यूनसिपालिटी के चुनाव में। अब हम लोगों को जानकारी उसका देते हैं, लेकिन मलाड के लोगों को तो मलाड में जो हैरान परेशान करते हैं उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए ना, तो वो देने का काम मैं करता हूँ। और हम इस तरह से काम करके आने वाले दिनों में जितने भी एसवी रोड का वाइंडिंग करने का है वो वाइंडिंग का काम हम करेंगे। और मैंने इनको कहा कि वो 16 लोगों के ऊपर जो केस है अभी, वो केस को भी कोर्ट में जाकर हम स्क्वैश कर लेंगे, और जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन 16 लोगों को यहाँ पर आकर हम सम्मान करेंगे। क्योंकि बिगर किसी दोष के वो जाके जेल में बंद हो गए, उनके घर के लोगों के क्या परेशानी होगी, उनके बच्चों को समाज में मुंह दिखाना भारी पड़ गया होगा, तो उनको हम यहाँ पर आकर सम्मान करेंगे और फिर एक बार उनकी प्रतिष्ठा जो खोई है उसको प्राप्त करके देने का काम करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, यशवंत यादव का मैंने नाम लिया, मैंने सुनील देशमुख का नाम लिया जो जेल में है, मैं नवाब मलिक का नाम लिया जो जेल में है, और उनके बारे में तो हमारे पार्टी के जी हाँ, तो मेरे यहाँ के लोगों को जो परेशानी, मैं ऊपर के लोगों का पोल खोलूँ, दिल्ली के 4 लोगों का पोल खोल खोलूँ, और यहाँ के लोगों का पोल नहीं खोलूँगा तो लोग मेरे निष्ठा पे डाउट करेंगे कि यहाँ जो बिल्डर परेशान करता है, यहाँ जो पुलिस ने गलत केस किया है उसके ऊपर तो कोई कुछ बोलते नहीं है। तो मैं लोकल लोगों को कैसा राहत मिले वो पोल खोलता हूँ। आपके पास और भी 4 मुद्दे होंगे तो मुझे दीजिए, मैं आने वाले मीटिंग में उसका पोल खोलूँगा। देखिए, जो कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर विपक्ष के लोग होते हैं, हमारे पार्टी के नेता हूँ उसका पोल खोलते हैं। महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार होता है उसका देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के विधानसभा में पोल खोलते हैं। मैं मानता हूँ कि ये पोल खोल का सिस्टम हर वार्ड के नगर सेवक ने उसके वार्ड का पोल खोल खोलना चाहिए। जो विधानसभा का आमदार होता है वो विधानसभा में जो गड़बड़ होता है उसका पोल खोल करना चाहिए। जो सांसद होता है उसने लोकसभा में जो गड़बड़ होता है उसका पोल खोल करना चाहिए, तो जनता को आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। कहाँ पर? लोखंडवाला में। हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है, वो एक मुस्लिम बंदा था, वो पहले से वहाँ पर अपना रिक्शा रिपेयरिंग वगैरह करके वो अपना गुजारा करता है, और उसको बाद में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट ना होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने फंड से वो स्ट्रक्चर बनाया, और वो स्ट्रक्चर बनाकर मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पर वाचनालय खोलो ताकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो 4 झोपड़ा होने वाला है, नहीं तो 4 झोपड़ा और होगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ मैंने बनाई है। अब मेरे पार्टी के जो नेता है, पदाधिकारी है, वे लोग ने भी थोड़ा घूमकर उसका उद्घाटन करके पब्लिक को लोकार्पण कर देना चाहिए। उसका नोन मैंने लिया है, उसको आप शूट करके बताइए। नहीं, ये आपका कहना गलत है, वो उसके अंदर नहीं गलत वॉश कर रहा है, वो रोड पे कर रहा है। मैं 4 दिन के पहले ही जाकर आया, मैं 4 दिन के पहले। नहीं, आप इधर आपका और मेरा टाइम मत बिगाड़िए, आप उसको शूट करके मेरे नाम से मुंबई शहर के लोग को बताइए कि गोपाल शेट्टी ने MP फंड से बनाया और यहाँ पर इस प्रकार का कार वॉशिंग हो रहा है करके, आप बताइए मुंबई शहर के लोगों को। मेरा भी पोल खोल खोलो करो। यशवंत यादव जी ने जो कमाल किया है वो सब आपके सामने है।
और इसीलिए लगता है कि हम विरोधी पार्टी में बैठे हैं और ये सारी बातें जनता को बताना ये हमारा कर्तव्य बनता है, और इसीलिए हम जो बातें गलत हो रही है वो जनता के सामने लेकर जा रहे, इसलिए पोल खोल सभाओं का आयोजन हमने किया है। मराठवाड़ा में ट्रैफिक की समस्या है, नो पार्किंग की वजह से बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उस बारे में किस तरह से पोल खोल रहे हैं? सब ऐसा है कि पूरे मुंबई शहर में इस पार्किंग के विषय को लेकर बहुत सारी बातें मुंबई महानगर पालिका के हाउस में कही जाती है, बहुत सारी बार बहस भी हो चुकी है। एक बड़ा रैकेट इस समय काम कर रहा है। दुर्भाग्य से इस मुंबई शहर में आपको पता होगा तो जो एसवी रोड है, इस एसवी रोड पर कमर्शियल प्रीमाइसेस बनने के लिए मुंबई महानगर पालिका और सरकार ने एफएसआई बढ़ा कर दिया हुआ है, और जब ये एफएसआई बढ़ा कर दिया जाता है तो उसका सीधा सीधा लाभ इन लोगों को मिलता है। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के साथ में जब ये डेवलपमेंट होती है तो पार्किंग की सहूलियत भी देनी चाहिए, शायद ये सत्ताधारी दल के लोग भूल चुके हैं, और इसीलिए पूरे मुंबई में अब यह पार्किंग का विषय बड़ा चिंता का विषय बनते जा रहा है। और इसके कारण, और आपने जो बात कही, आप मुंबई में चले जाइए, आप कुलाबा में चले जाइए, आप वहाँ जे ब्रिज के नीचे चले जाइए, कहीं पर भी आप जाइए, पार्किंग का एक बड़ा घोटाला, एक माफिया राज पार्किंग में इस समय चल रहा है। और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का महापौर मुंबई में बैठेगा, एक नई पॉलिसी मुंबई शहर के बारे में हम लाएंगे, क्योंकि पार्किंग की समस्या आने वाले दिनों में बड़ा उग्र रूप धारण करने वाली है। अभी भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार के, चाहे मंत्री हों, चाहे आमदार हों, चाहे कार्यकर्ता हों, वो विरोध सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की साख पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, इसलिए जब भी कोई इनका विरोध करता है ये उसके ऑफिस में या घर में जाकर हिंसा पर उतर आते हैं। हिंसा पर आदमी तभी उतरता है जो अंदर से हार मान लेता है। सुनील जी, आप क्या कहेंगे बोल बोल में, आज आपने प्रोग्राम रखा और बताइए। पूरे मुंबई में बोल खोल का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कहाँ भाषण कर रहे हैं और हमारे मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। ये पोल खोल के बारे में हमारे आदरणीय माजी मुख्यमंत्री और अभी के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने खुले आम महाराष्ट्र विधानसभा में ये सरकार की जो पोल खोली है इसके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। ये सरकार के बारे में हम जितना कुछ कहें उतना कम है। ये ऐसी सरकार आज तक हमारे पॉलिटिकल करियर में मैंने देखी नहीं है। आप देखेंगे ये सरकार हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर FIR दाखिल करती है, और FIR भी ऐसा 153A जो नॉन बेलेबल हो। हम अगर राम जी के जन्मदिन पे, राम जी जन्मदिन के रामनवमी के दिन अगर हम लोग जुलूस निकालते हैं तो हमारे ऊपर FIR लिया जाता है, हमारे राम जी के बैनर फाड़े जाते हैं, उसके बारे में हम पुलिस स्टेशन में सवाल पूछने जाते हैं तो FIR होता है, और इससे अनगिनत FIR और झूठे काम करने का है। सरकार ने एक षड्यंत्र बनाया है अपोजिशन को दबाने का, लेकिन उसका पूरा हम जनता में जाके इसका पोल खोल खोल रहे हैं। और अगला कदम क्या होगा पोल खोल का? अगला कदम, जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए, ये सरकार किसी भी तरह लायक नहीं है। शिवसेना जो है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा चुनाव लड़ी और एक युति के साथ चुनाव लड़ने के बाद, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जिस तरह का काम किया है वो पूरा लोग देख रहे हैं। एक सरकार के जो मंत्री हैं वो दाऊद के साथ संबंध है, वो डायरेक्ट अरेस्ट है, और दूसरे जो मंत्री हैं उन्होंने खुलेआम कहा था, जो याकूब मेमन है उनने पूरा उसको जो फांसी की सजा हुई थी वो रद्द करने के लिए असलम शेख जैसे ये सरकार में मंत्री हैं, अनिल देशमुख जैसे मंत्री उसमें अरेस्ट है, और कई मंत्रियों की लिस्ट बनी है, वो आज नहीं तो कल जेल में जाएंगे। हमारे किरीट सोमैया जी रोज उसके बारे में बोलते हैं, पूरा पुरावा ईडी को दे रही है, CBI को दे रही है, और ऐसे सरकार के बारे में बोलने के लिए हम लोग सक्षम है। लोगों के सामने फिर एक बार जाएंगे, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव का नतीजा आप खुद देख लेंगे।